देखिएगा, ये वही चीज है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करेगी। आपके जो मेहंदी से ऑरेंज बाल होते हैं, आपके बाल एक बार में ही काले हो जाएंगे, आपके कितने परसेंट बाल क्यों ना सफेद हो, और एक बार के इस्तेमाल से आप देखेंगे। और मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मेहंदी से ही सिर्फ आपके बाल, आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर आता है, डार्क ब्लैक कलर आएगा। देखिएगा, सबसे पहले आज जो हम डाई बनाने वाले हैं उससे आपके बालों में नेचुरल तरीके से ऑरेंज कलर नहीं आएगा, ब्लैक कलर आएगा। काफी लोगों की समस्या आती है कि वो जब भी हीना लगाते हैं उनके बालों में जो है ब्लैक कलर नहीं आता, ऑरेंज कलर आता है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, एक बार में ही ब्लैक कलर आएगा। सारे स्टेप वही फॉलो कर रहे हैं जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, कोई स्किपिंग नहीं है। काफी सारी जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग कहते हैं मैम हमारे पास ये नहीं है, हम ये स्किप कर दें, ये स्किप कर दें। उससे क्या होता है, जो हमने मेथड से आपको, जो भी तरीके से आपको हमने डाई बनाना बताया है, उसका तरीका ही चेंज हो जाता है, आप सारी रेमेडी चेंज कर देते हैं। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो एक बार में देखेंगे ब्लैक कलर आएगा 100%, आपके क्यों ना 100% बाल व्हाइट क्यों ना हो। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं, उन्हें एक बार में ही जो है अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो सेम ही प्रोसेस से लगाते हैं। अगर आप इसी तरीके से ओरिजिनल प्रोडक्ट बाय करके लगाएंगे तो एक ही बार में आपके ब्लैक कलर आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने जो लिया है, एक फ्राई पैन लिया है खाली, और हम यहाँ पे एक ग्लास के करीब पानी ले रहे हैं। अगर आप मेरे से ज्यादा, मतलब मैं जो है फ्रंट के हेयर में लगाना पसंद करती हूँ हीना को, अगर आप ज्यादा हीना लेते हैं तो आपको पानी भी ज्यादा लेना है, सामान भी आपको ज्यादा लेना है, यानी कि दुगनी से तिगनी क्वांटिटी में आपको सामान लेना है, पानी भी आपको ज्यादा करना है, इस बात का अपना है। तो देखिएगा, हमने एक ग्लास के करीब यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब चाय पत्ती। तो फ्रेंड्स, देखिएगा नॉर्मल चाय की पत्ती डाली हूँ, जो घरों में इस्तेमाल होती है वही आपके पास जो है आप डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं 2 चम्मच के करीब यहाँ पे चाय की पत्ती ऐड करती हूँ। ये देखिएगा, अभी गैस का फ्लेम बंद ही है, और ये हमारे बालों को कलर देने के साथ साथ कंडीशनर का काम करता है, हमारे जड़ों को जो है मजबूत बनाता है चाय की पत्ती। तो आपको चाय की पत्ती ही डाल देनी है। यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने चाय की पत्ती डाल दी। अब जो हमारा इंग्रेडिएंट होगा वो है कॉफी पाउडर, और कॉफी पाउडर जो है हमारे बालों को डार्कनेस देता है, हमारे बालों में जो है कलर को लॉक कर देता है, कलर नहीं देता है। आपने देखा होगा जब भी कॉफी पाउडर हमारे कपड़ों पर गिर जाता है तो उसका दाग कभी भी नहीं जाता है, और जब चाय और कॉफी एक साथ मिलते हैं हमारे बालों को स्ट्रांग तो करते हैं, साथ ही बहुत अच्छा हमारे बालों में कलर देते हैं। तो चलिएगा, हम यहाँ पे 2 पाउच के करीब कॉफी पाउडर ऐड करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नेस्कैफे ली है, और इस तरीके से आपको 2 से 3 पाउच अपने बालों के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है। यानी कि अगर आपके बाल जो है ज्यादा परसेंट के करीब, मान लीजिए आपके हेयर जो है 40% आपके बाल जो है सफेद है, तो आप यहाँ 2 पाउच ऐड कीजिए। 100% है तो आप 4 से 5 पाउच भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक बार अच्छा डार्क कलर मिलेगा। तो आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है, 2 पाउच तो आपको ऐड करने ही करने हैं। तो देखिएगा, मेरे बाल जो है पूरी तरीके से ब्लैक हो चुके हैं और डार्क ब्लैक कलर के हैं, तो मैं यहाँ पे 1 पाउच ऐड करूंगी। अगर आपके ज्यादा व्हाइट हैं तो आप यहाँ पे 2 पाउच कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलेगा, मैं यहाँ पे 1 पाउच ऐड कर देती हूँ, पूरा तरीके से जो है कॉफी का पूरा पाउच डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम करते हैं ऑन, और हम इसे इतना पकाएंगे कि ये हाफ रह जाए। तो चलेगा, गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास यही कॉफी का पाउच जो है जमा हुआ है, काफी लोगों की कॉफी जो है रखे रखे जम जाती है, तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इतना ज्यादा डार्कनेस देती है, बहुत ज्यादा डार्कनेस देती है। मैं यूज करके देख चुकी हूँ, तो अगर आपके पास है तो आप वो वाले पाउच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम हमें सिंपल ही रखना है, इसे हमें इतना पकाना है कि हाफ रह जाए। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है ऑन कर दिया है, तो चलेगा हाफ रहने का मैं वेट करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना ज्यादा जो है डीप कलर इसमें आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये अभी हाफ नहीं हुआ है, तभी आप अच्छे से देख सकते हैं कितना ज्यादा डीपेस्ट कलर इसका हो गया है, और ऐसे ही आपके बालों में आएगा। तो चलेगा, अब हम इसे जो है अच्छे से गर्म कर लेते हैं पहले, और हाफ रहने तक ही आपको इसे जो है, तो देखिएगा फ्रेंड्स ये हाफ रह गया। अब मैं कर देती हूँ गैस का फ्लेम बंद। तो चलिएगा, गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद, और देखिएगा ये हाफ रह गया है। अब हमारा ये रेडी हो चुका है पानी, तो इसे हम जो है स्ट्रेन आउट कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं एक बॉइल के अंदर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने स्ट्रेन आउट कर लिया और वाटर इतना तैयार हो गया है इस तरीके से। अब देखिएगा, अब हमें लेनी है कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई हमें चाहिए इस तरीके से। आप देखिएगा, मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली, और आयरन की कढ़ाई तो आपको जरूर से चाहिए। अब जो भी आप हीना इस्तेमाल करते हो वो आपको इसमें डाल देनी है, जितनी हीना आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले लीजिएगा।
तो मैं यहाँ पे नूपुर हीना ऐड करूंगी। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी हीना जो है काफी पुरानी हो जाती है, रखी भी हो जाती है, पैकेट जो है सील नहीं रहता है, यानी कि आपने उसे एयर टाइट में भी नहीं रख रखा, ऐसे ही रख रखा है, तो काफी टाइम के बाद रखे रखे हीना का कलर नहीं आता है गाइस, आपको वो वाली हीना, पुरानी हीना इस्तेमाल नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से जो है हीना ले लिया इस तरीके से, आप देखिएगा आप अपने अकॉर्डिंग से ले सकते हैं। और अब जो है मैं इसके अंदर आंवला पाउडर ऐड करूंगी, और ये होममेड आंवला पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब। अगर आप मेहंदी की क्वांटिटी ज्यादा करते हैं, सारा सामान आपको जो है ज्यादा क्वांटिटी में कर देना है, तो यहाँ पे मैं आंवला पाउडर 1 टेबल स्पून लूंगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून मैंने होममेड आंवला पाउडर लिया है, और आपको भी जो है घर वाला ही डालना है। आप जो है ड्राई आंवला ले आइए और उसको जो है खलड़ में कूट के आप पी सकते हैं। इस तरीके से फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। मार्केट का आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, आप मुझे कमेंट करके भी ना पूछें, तो मैंने इसमें ही आपको बता दिया। अभी गैस का फ्लेम है बंद, और अब हम इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है कत्था पाउडर। और काफी लोगों को कत्था पाउडर ब्लैक वाला नहीं मिलता है गाइस, अगर आपको ब्लैक वाला कत्था पाउडर मिल जाता है तो बेस्ट एंड बेस्ट है। तो देखिएगा ये है ब्लैक कत्था, इस तरीके से ये देखिएगा ये है ब्लैक कत्था, और ये आपको जो है आयुर्वेदिक जो शॉप्स होते हैं उसमें मिल जाएगा, पंसारी के शॉप पे नहीं मिलेगा, जहाँ पे आयुर्वेदिक शॉप होगी इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। काफी लोगों के कमेंट आते हैं, मैम हमें ब्लैक कत्था नहीं मिल रहा, तो चलेगा आज मैं आपको ब्राउन कत्था ही डाल देती हूँ। लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आपको ब्लैक कलर चाहिए अपने बालों में, तो आपको जो है ब्लैक कत्था ही डालना होगा, ये हेयर के लिए होता है सिर्फ। और जो ब्राउन कत्था होता है वो आपके जो है खाने में भी इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा पान में जो कत्था लगता है वो ब्राउन कत्था होता है, और हेयर में भी हो जाता है, लेकिन बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए ब्लैक कत्था मिलता है, तो आप ब्लैक कत्था ही ऐड कीजिए। काफी लोगों को नहीं मिलता, तो आज मैं जो है ब्राउन कत्था ही डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये है कत्था पाउडर, और ये मेरा होममेड है ये भी। तो आप जैसे मैंने अभी ब्रिक दिखाई थी आपको काले वाले कत्थे की, यानी कि ब्लैक कत्थे की जैसे ब्रिक दिखाई थी, ऐसे ही आपको ब्राउन कत्थे की ब्रिक, ये देखिएगा ये ब्लैक कत्था है। आप फर्क दोनों में देख सकते हैं, काफी लोग पूछते हैं मैम ब्लैक कैसे होता है ब्राउन कैसे होता है, दोनों में आप फर्क अच्छे से देख सकते हैं। इस तरीके का जो है ब्लैक कत्था होता है, और इस तरीके का ब्राउन कत्था होता है। तो आपको जो है ब्राउन कत्थे की अगर नहीं मिलती, तो ब्राउन कत्थे की ब्रिक ले लीजिए, इस तरीके की आएगी, और खल्लड़ में कूटकर आप माहीन पाउडर जो है मिक्सर के जार में डालकर पी सकते हैं। तो चलिएगा 1 टेबल स्पून में यहाँ पे जो है कत्था पाउडर ऐड करती हूँ इस तरीके से, और अब हमें इसे हल्का सा रोस्ट करना है। तो चलिएगा गैस का फ्लेम मैं करती हूँ ऑन, और सिंपल ही पे ही हमें रखना है गैस का फ्लेम। तो चलिएगा ऑन कर देती हूँ मैं गैस का फ्लेम। तो देखिएगा गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, और सिंपल ही आपको जो है इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है, इस तरीके से आपको रोस्ट करना है, और ज्यादा जलाना नहीं है आपको, रोस्ट करना है। बनकर रेडी हुए, अब मैं कर देती हूँ गैस का फ्लेम बंद, और देख रहे हैं आप देख सकते हैं इसका कलर जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर वही वाटर डालेंगे जो हमने रेडी किया था। तो गाइस देखिएगा, मैं इस तरीके से ही वाटर डाल दे रही हूँ, ये देखिएगा इस तरीके से आपको डाल देना है वही पानी जो हमने रेडी किया था, और आप इसका कलर भी अच्छे से देख सकते हैं, और इसे चलाते जाइए आप, ये देख रहे हैं कितना ज्यादा डीपेस्ट कलर इसका इसी समय आ गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्लैकिश कलर आया है। और हमें थोड़ा सा इसे पतला रखना है, क्योंकि हम इसे 2 दिन के लिए इस कढ़ाई में ही छोड़ेंगे इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से आपको जो है इसे चला देना है। और देखिएगा आप इस पे भी देख सकते हैं स्पून पे भी कितना ज्यादा जो है ब्लैक कलर और डीप कलर इसका आया है। तो चलिएगा अब मैं जो है इसमें 1 कॉफी का पाउच और ऐड करूंगी, और अब हम ऐड करेंगे कॉफी का पाउच, और ऐड करने के बाद इसे हम 2 दिन के लिए छोड़ देंगे इस कढ़ाई में ही, ऐसे ही ढककर आपको रख देना है इसे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसमें कॉफी ऐड कर दे रही हूँ इस तरीके से, पूरा पाउच आपको जो है 10 रुपीज वाला कर देना है, और इस तरीके से आप चला दीजिए, और चला के आप इसे जो है 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा 2 दिन के बाद ही मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो चलिएगा मैं इसे पहले ढककर रख देती हूँ, और आपको जो है इतनी पतली ही छोड़नी है, क्योंकि 2 दिन के बाद ये थिक हो जाएगी फ्रेंड्स, ये देखिएगा इस तरीके से। और सिर्फ हमने देखिएगा मेहंदी ही ऐड की है इसमें,
और देखिएगा अब 2 दिन के बाद चलेगा, मैं दिखाती हूँ इसे। देखिएगा 2 दिन हो गए हैं और ये देखिएगा ये कितनी ज़्यादा जो है थिक हो गई है, आप देख सकते हैं। और आपको इसी तरह की जो है आप अपने हेयर में लगानी है आपको, और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है मतलब सही है ये लगाने के लिए, इस तरह की आपकी हो जाएगी। तो चलेगा अभी जो है अब हम इसका लगाने का तरीका आपको बता देते हैं। देखिएगा कितनी ज़्यादा जो है ये डार्क कलर हो गया है और इसी तरह का आपके बालों में आएगा। ये देखिएगा मेरी फिंगर पे आप कलर देख सकते हैं, देखिएगा एक बार में ही अभी देखिएगा कलर आ गया एकदम हैंड में लेते के साथ ही आ गया। इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका कलर भी जो है एकदम से डार्क कलर आएगा। और इसको आपको जो है वीक में आप इसे 2 बार ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए, यानी कि 8 से 9 डेज में आपको 2 बार लगानी है इसे। और फिर आपको जो है 2 दिन के बाद ही हेयर ऑयलिंग करनी है, यानी कि हेयर वॉश करने से पहले आपको अपने बालों में तेल लगाना है। अच्छा आप तेल लगाइएगा, मैंने भी शेयर कर रखे हैं, आप वो भी ऑयल लगा सकते हैं। और फिर अच्छे से आपको मसाज करनी है। आप जब इसको लगाते हैं आपके बालों में ना तो कंडीशनर होना चाहिए ना ही आपके बालों में ऑयलिंग होनी चाहिए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे वीक में 2 बार लगाइएगा और फिर आप देखेंगे आपका बाल जो है नेचुरल तरीके से ही ब्लैक हो जाएगा, ऑरेंज कलर बिल्कुल भी आपके बालों में नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।